दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल फन फ्रेंड इंडियन को और दबाइए बेल आइकन हर नया वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो भाइयों और बहनों आज के एपिसोड में स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं भिखारी बना करोड़पति और आज के कंटेस्टेंट हमारे हैं महाशय रामचंद्र जी। आइए रामचंद्र जी। रामचंद्रा भिखारी लगाओ भिखारी। हाँ नहीं मिस्टेक। हाँ तो भाइयों और बहनों रामचंद्रा भिखारी जी आपका स्वागत है आज के एपिसोड में और चलिए आज खेलते हैं आपके साथ कौन बनेगा करोड़पति यानी कि भिखारी बना करोड़पति। चलिए चलिए महाशय आइए आइए महाशय बैठ जाइए हॉट सीट पर बैठ जाइए हॉट सीट पर। चलिए महाशय तो आज तैयार हैं आप केबीसी खेलने के लिए? हाँ तैयार हैं। ठीक है महाशय। हाँ तो रामचंद्रा भिखारी जी आपको खेल के रूल समझा दिए जाते हैं। हाँ। जब तक मैं क्वेश्चन ना पूछूं आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है ठीक है। हाँ तो रामचंद्रा जी आपको पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है ठीक है। सवाल ये है जब आपके माता पिता का शादी हुआ था आप कितने वर्ष के थे? ऑप्शन नंबर 1 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 नाबालिग, ऑप्शन नंबर 4 काम शुरू नहीं हुआ था। और आपके 4 लाइफलाइन है लैंडलाइन हवाई लाइन पाइपलाइन बिजी लाइन। बेवकूफ बनाता है पैदा होने से पहले क्वेश्चन पूछता है। मामा वहाँ से बैठिए बैठिए आपने तेजी दिखाया है इस कारण से आपका सवाल बदल जाता है। बैठिए बैठिए। हाँ तो रामचंद्र भिखारी जी 3.5 लाख रुपए के लिए आपका ये दूसरा सवाल। तो बताइए लड़कियां नाखून बड़े क्यों रखती है? तो ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए कमर खुजाने के लिए, ऑप्शन बी लड़कों पर हमला करने के लिए, ऑप्शन सी नाक साफ करने के लिए और ऑप्शन डी बालों में उंगली फेरने के लिए। सभी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही लगते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए। एक को ताला लगा दी जाए। महाशय जी श्योर? हाँ एक को ताला लगा दिया जाए। हाँ लगा दिया जाए। ठीक है मैं ताला मार देता हूँ ये में। ए, बिल्कुल सही जवाब। तालियां। जीत चुके हैं 3.5 लाख रुपए। हम तो जीत गए। बैठिए 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 महाशय लाइव चल रहा। बैठिए बैठिए बैठिए। जी हाँ बैठते। चलिए खेल को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ तो रामचंद्र भिखारी जी अगर आप इसी तरह सही ढंग से खेलते गए तो आप जीत सकते हैं 7 करोड़ रुपए। अगर इसी तरह आप खेलते रहे इसी तरह खेलते रहे तो आप जीत सकते हैं 7 करोड़ रुपए। महाशय अरे आपने इसको क्या सुना दिया 7 करोड़ कभी देखे नहीं है। हाँ तो रामचंद्र जी और ये है 7.5 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल। सवाल है अकबर के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शंस आपके ये हैं नंबर 1 सलमान खान, नंबर 2 मलिका शरावत, नंबर 3 बाबर, नंबर 4 हुमायूं। सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा क्योंकि आपका एक गलत सवाल आपके सपनों को बर्बाद कर सकता है। सर हम लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं फोन और फ्रेंड। चलिए तो ठीक है को फोन करना चाहेंगे आप? अकबर को। कंप्यूटर जी अकबर जी को फोन लगाया जाए। हाँ अकबर बोल रहे हैं। हाँ लीजिए बात कीजिए। हाँ अकबर। हाँ 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 मैं केबीसी में बैठा हूँ। हाँ एक सवाल पूछना था तुम्हारा बाप का क्या नाम है? हाँ हाँ ठीक है। तो बताइए
आपके आंसर डी को लॉक किया जाए, हुमायूं। हुमायूं हाँ, श्योर श्योर। कंप्यूटर जी डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, तालियां तालियां इनके लिए, तालियां। बैठ जाइए। तो आप जीत चुके हैं 7.5 लाख रुपये, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो ये आपका आखिरी और 7 करोड़ रुपए के लिए अगला प्रश्न। तो बताइए आप अपने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया? सर ऑप्शन तो दीजिए। अबे इसमें ऑप्शन क्या, तेरी जिंदगी है, बता ऑप्शन का इसमें क्या करेगा? हाँ ये तो आंसर पता है हमको, इसका जवाब तो हम ही दें। ठीक है हम बताते हैं। मिठाई में जो लगा वो खोया है, चारपाई में जो लगा वो पाया है। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। तालियां तालियां के लिए, तालियां। हाँ तो रामचंद्रा भिखारी जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको 7 करोड़ रुपए नीले वाले पहाड़ी के साइड में जाके, वहाँ पे एक राशन का दुकान होगा, वहाँ पे जाइएगा और हमारा नाम लीजिएगा, वहाँ पे आपको 7 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ठीक है ना? और हाँ, आपको वहाँ तभी जाना है जब आपको मोबाइल में एक इंग्लिश में मैसेज आएगा और उसको पढ़ना है और उस एड्रेस पर पहुँच जाना है। ठीक है ना? नीले वाले पहाड़ी के पीछे आपको पहले मैसेज पढ़ लेना है। ठीक है ना? हमको तो इंग्लिश आता ही नहीं है। क्या बात कर, इंग्लिश आपको नहीं आता है? नहीं आता है। अरे यू डिक्शनरी ऐप यूज़ करो। वो क्या होता है? इधर आओ मैं समझाता हूँ वो क्या होता है। देखिए रामचंद्रा भिखारी जी, ये है यू डिक्शनरी ऐप। ठीक है? ठीक है। देखिए रामचंद्रा जी, ये है यू डिक्शनरी, इस लाल वाले। ठीक है? इस पर क्लिक, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी कर देना। ठीक है? आपको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी हिंदी कर लेना है। और देखिए मैक का ऑप्शन आ रहा है, कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और इंग्लिश टैप करके यहाँ पे बोलना है एप्पल। देखिए फर्स्ट वाला जो एप्पल आया है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से, फर्स्ट वाला जो एप्पल आया है देख लीजिए, उसे क्लिक कर देना है। देखिए एप्पल आ गया। देखिए रामचंद्रा जी, इसी तरह जो है किसी भी इंग्लिश भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी कर सकते हैं आप। कोई भी बोर्ड को भी फ़ोटो खींच के जो है उसे हिंदी कर सकते हैं आराम से। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप एक अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, हम ज़रूर ये आपको यूज करूँगा। हाँ घर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और देख लीजिएगा कैसा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपकी यू वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं। और तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।